बॉलीवुड का किंग खान अपने कैरियर का सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। शाहरुख खान अपने कैरियर का ऑलरेडी प्रॉब्लम में तो है ही, लेकिन उसका बेटा आर्यन खान उसका पर्सनल इमेज में भी दाग लगा दिया। शायद आपको पता होगा, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने कुछ दिन पहले अरेस्ट किया है, और इसी की वजह से शाहरुख खान बहुत डिप्रेशन में है। आर्यन खान तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बेटा है ही, लेकिन बॉलीवुड का बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी तक आर्यन खान को ट्विटर में सपोर्ट किया है, जैसे कि ऋतिक रोशन, संजय दत्त, आमिर खान, सलमान खान, लेकिन सब दिखावट है, सामने आकर कोई मदद नहीं करता। शाहरुख खान का हर प्रॉब्लम में शामिल होने वाला एक ही बंदा है, बॉलीवुड का टाइगर यानी सलमान खान। शाहरुख खान और सलमान खान इन दोनों के बीच काफी बार झगड़ा भी हो चुका है, एक दोनों के बीच थप्पड़ भी खा चुका है। इस झगड़ा होने के कारण दोनों से एक साल बातचीत भी नहीं हुआ था, लेकिन दोनों एक अच्छा दोस्त होने के नाते शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक दूसरे का मदद करता है। अगर उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे से एडजस्ट हो जाता है। सलमान खान एक अच्छा दोस्त होने के नाते हमेशा इसका साथ खड़ा रहता है। शाहरुख खान का इमेज खराब करने के लिए बीजेपी पार्टी ने आर्यन खान को फंसाया गया है। माना कि आर्यन खान को एनसीबी ने अरेस्ट किया है, लेकिन जिन लोगों ने अरेस्ट किया है आर्यन खान को, वो लोग एनसीबी में नहीं है। एनसीबी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, एनसीबी का कोई भी अधिकारी नहीं है। पीके गोस्वामी एनसीबी का कोई भी किसी भी तरह का अधिकारी नहीं है, और पीके गोस्वामी आप जिसको देख पा रहे हो, ये आर्यन खान को अरेस्ट किया है, और ये एनसीबी का द्वारा कुछ भी नहीं है, लेकिन एनसीबी बनके आर्यन खान को अरेस्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं शाहरुख खान को फंसाया जा रहा है। दुनिया में और भी लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेके सड़क में दिन का दिन पड़ा रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। लेकिन शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान वो ड्रग्स नहीं लिया था, फिर भी उसे ड्रग्स पार्टी में पकड़ा गया, तो उसे इतना बड़ा इंसाफ मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसको फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस यही थी छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह का न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।